नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले बात मुन्ना बजरंगी की वायरल तस्वीरों से उठ रहे सवालों की। जेल में सोमवार को हुई माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनकी खूब चर्चा हो रही है। दोनों तस्वीरें मौत के बाद की हैं। पहली तस्वीर में मुन्ना बजरंगी का शव जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, लेकिन उसकी छाती पर गोली या किसी गंभीर चोट के निशान नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर में उसके सीने में गोली के निशान है। रेड सर्किल में गोली के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गोली के निशान देखकर सवाल है कि क्या फोटो खींचने के बाद भी मुन्ना बजरंगी को गोली मारी गई। फोटो वायरल होने के मामले में प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने कहा कि हमें फोटो वायरल होने की जानकारी मिली है और इसकी जांच जारी है। देखिए दो तस्वीरें, सीने पर कोई निशान नहीं पहली तस्वीर में, आप देखिए स्पष्ट देखा जा सकता है, और दूसरी तस्वीर में सीने पर निशान है। तो क्या फोटो खींचने के बाद फिर एक बार शूट किया गया, फिर एक बार फायर किया गया बजरंगी पर? यह बड़ा सवाल। ये फोटो किसने खींची? मोबाइल हैंडसेट की तस्वीर है, किसका मोबाइल हैंडसेट था, किसने खींची? क्या एक तस्वीर खींचने के बाद गोली मारी गई और फिर दूसरी तस्वीर ली गई? बड़े सवाल। जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है और इसमें एडीएम के लेवल पे भी इंक्वायरी हो रही है और इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब विवेचना में, और ये पोस्टमार्टम भी इनका हुआ है, तो विवेचना में इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर के देखा जाए। बागपत जिला जेल में हुई पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्या मामले में एक वीडियो सामने आया है। मुन्ना बजरंगी की हत्या से पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है। इसमें हत्या से पहली रात को मुन्ना बजरंगी को बागपत जिला कारागार में शिफ्ट करते देखा जा सकता है। मुन्ना बजरंगी ऑरेंज कलर की टी शर्ट और लोअर पहने हैं और उसके इर्द गिर्द पुलिसकर्मी और उसके कुछ सहयोगी खड़े हैं। आपको ये भी बताएं कि मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत शिफ्ट किया गया था, जो उसकी रंगदारी मामले में वहां पर पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले कुख्यात सुनील लाठी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब मुन्ना बजरंगी का हत्या से पहले यानी मौत के दिन के ठीक पहले वाली शाम का पहला वीडियो सामने आया है, उसे आप देख सकते हैं न्यूज 18 की स्क्रीन पर। ये परसों रात का, 8 जुलाई की रात का वीडियो, उस वक्त का जब बागपत जेल में उसे शिफ्ट किया जा रहा था। देख सकते हैं आप ऑरेंज टी शर्ट में मुन्ना बजरंगी को, और उसके साथी भी थे वहां पे, सहयोगी भी थे और पुलिस के लोग भी थे, उसे जेल में शिफ्ट किया गया इस तरीके से। बागपत जेल में शिफ्ट करते वक्त की तस्वीर। ऑरेंज टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी को संभवतः मौत से पहले, हत्या किए जाने से पहले का ये उसका आखिरी वीडियो, जब उसको जेल में शिफ्ट किया जा रहा था बागपत जेल में। देर रात शिफ्ट किया गया, अगले दिन उसकी पेशी होनी थी रंगदारी के मामले में बागपत में, इसीलिए उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच झांसी से लाया गया। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है इस वक्त की हमें। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में सुनील लाठी से पूछताछ में खुलासा हुआ है। मोटा कहने पर लाठी ने मुन्ना बजरंगी को गोली मार दी। रात को विक्की सुनेरा की सेल में रुका हुआ था मुन्ना बजरंगी। रात को भी मुन्ना और लाठी में बातचीत हुई थी। जेल में कुख्यात कैदियों को तनाई बैरक में अकेले रखा जाता है, लेकिन मुन्ना बजरंगी को विक्की सुनेरा की सेल में क्यों रखा गया? सवाल यह है, क्या हत्या की स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी? ये बार बार हम उठा रहे हैं सवाल। क्या मुन्ना खुद विक्की सुनेरा के साथ रुकना चाहता था? यह भी एक सवाल है। मुन्ना क्यों विक्की सुनेरा के साथ रुकना चाहता था? रात भर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? जेल के एक लंबरदार ने पूरी घटना पुलिस को बताई।
लंबाधार और विक्की सुनेरा के बयान दर्ज करेगी अब पुलिस। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह की तहरीर को विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत जल्दी सीमा सिंह के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। ऋषभ मणि हमारे साथ हैं। ऋषभ, ये जो तथ्य अभी हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, जो शुरुआती पूछताछ हुई है विक्की सुनेरा से जी और सुनील राठी से, उसमें चीज निकल के सामने आई जहां पर जेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही दिख रही है, या अगर कहीं कोई साजिश है तो उस ओर भी संकेत है कि जब तन्हाई बैरक में एक सेल में एक कैदी को रखा जाता है तो आखिरकार मुन्ना बजरंगी को एक बड़े बदमाश विक्की सुनेरा के सेल में क्यों रखा गया। और एक सवाल और उठता है कि क्या मुन्ना के कहने पर वो विक्की सुनेरा के सेल में रखा गया था? अगर हाँ तो दोनों साथ रात भर साथ में थे, उनमें क्या बातचीत हुई, कहीं उस दौरान ही तो कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई? क्योंकि विक्की सुनेरा की ओर से जो बयान आ रहा है उसके मुताबिक रात में ही सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी का एक बार आमना सामना हुआ था, लेकिन तब कोई लड़ाई झगड़े जैसी बात नहीं हुई थी। तो सुबह अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और सुनील राठी ने 10 गोलियां मुन्ना बजरंगी के शरीर पर चला दी? अब पुलिस चूंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इस मामले में एक अहम गवाह जेल के ही एक लंबरदार को बनाया जा रहा है, जो उसके जिसने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है और विक्की सुनेरा को भी गवाह बनाने की तैयारी में लग गई है पुलिस। तो अब क्या जेल प्रशासन की जो लापरवाही है ये भी जांच के दौरान साफ हो जाएगा, और क्या ये प्री प्लान मर्डर था, साजिश थी, ये भी जांच से ही साफ होगा। और ये भी हो सकता है कि विक्की सुनेरा की मदद से जो सुनील राठी ने हत्या की थ्योरी और जो कारण बताया है कि कहा सुनी के बाद उसने अचानक फायरिंग की है, वो भी मुन्ना बजरंगी की पिस्टल से, तो ये भी हो सकता है कि विक्की सुनेरा के माध्यम से जो मुन्ना बजरंगी सुनील राठी ने माफ कीजिए जो कहा था उस पर मुहर लगाई जा सके। तो आने वाले कुछ दिन इस इन्वेस्टिगेशन के बहुत अहम होने वाले हैं राजेंद्र। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ। आने वाले कुछ दिन बेशक बहुत अहम होने वाले हैं, बहुत क्रूशियल हैं इस सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए।